दोस्तों, भूत प्रेत की कहानी बहुत ही डरावनी होती है, मगर डरावनी होने के बावजूद भी हमें वो कहानी सुनने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो आपके लिए मैं आज एक भूतिया ट्रेन की कहानी लेकर आया हूँ। एक लड़का ट्रेन में सफर करते दौरान एक ऐसी गलती करता है जिसे आगे जाकर उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं और आप भी ऐसा गलती करते हैं तो सावधान हो जाइए, आपका ये गलती आपको बहुत ही महंगा पड़ सकता है। आखिर उस लड़के ने ट्रेन में कौन सा गलती किया था और आगे जाकर कौन सा मुसीबतों का उससे सामना करना पड़ा, आज की कहानी में मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। कहानी का शुरुआत होता है एक अंधेरी रात में एक पुरानी ट्रेन के सफर के साथ। उस ट्रेन में कई सारे लोग सफर कर रहे थे, मगर उन लोगों के बीच में एक लड़का था, दीपुना। दीपुना नाम का एक लड़का जो कि तमिलनाडु से ओडिशा जा रहा था। दीपुना ने सोचा था कि उसका जो सफर है, तमिलनाडु से ओडिशा का जो सफर, उसका एक नॉर्मल सफर होगा, मगर उसने ये नहीं सोचा होगा कि उसका जो सफर है बहुत ही डरावना होने वाला है। दीपुना का उम्र लगभग 25-26 साल होगा और इसी उम्र के बच्चे बहुत ही मौज मस्तियां करते हैं और दीपुना भी उनमें से एक लड़का था। ट्रेन में रात का खाना खत्म करने के बाद दीपुना अपनी जगह पर सो जाता है। उसने डिनर में अंडा बिरयानी खाया था जिसके वजह से उसके पेट में जोर जोर से आवाजें आना शुरू हो जाता है। उस वक्त रात के 10:30 से 11 बजा होगा, तभी दीपुना की नींद टूट जाता है और वो टॉयलेट के अंदर जाता है और वो टॉयलेट में बैठकर देखता है कि टॉयलेट के दीवारे पर एक नंबर लिखा होता है, मोबाइल नंबर, और उसके ठीक नीचे ये लिखा गया था कि अगर आप प्रिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, तो इस मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिएगा। पता नहीं उस टॉयलेट के अंदर ऐसा कौन लिखा था, मगर ये सब देखने के बाद दीपुना ने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला और उस मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि ट्रेन के टॉयलेट के अंदर आप लोगों को इस तरह का नंबर काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्यार में धोखा खाने के बाद अपने प्रेमिका का नंबर उस टॉयलेट में इस तरह से लिख देते हैं, और कुछ लोग लड़कियों का नंबर ऐसे ही ट्रेन में लिख देते हैं उनको परेशान करने के लिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है लड़कियां खुद अपना नंबर ट्रेन के टॉयलेट में लिख देते हैं ऐसे ही लड़कों के साथ मजाक करने के लिए। मगर दीपुना जिस ट्रेन में सफर कर रहा था उस ट्रेन की टॉयलेट की दीवार पर वो नंबर किसने लिखा था वो तो पता नहीं, मगर वो एक प्रिया नाम की लड़की का था। ये देखकर दीपुना ने अपने मोबाइल से उस नंबर को नोट कर दिया और वो टॉयलेट से निकल कर सीधा अपनी सीट में जाकर बैठ गया। दीपुना ने सोचा कि क्या सच में ये कोई प्रिया नाम का लड़की का नंबर है या फिर कुछ लोग मजाक मजाक में ऐसे ही दीवार पर लिखते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए दीपुना ने उस नंबर पर फोन लगाया। काफी समय मोबाइल रिंग होने के बाद दीपुना को एक आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे भाई, ये तो सच में एक लड़की है, ये सोचकर तुरंत ही दीपुना ने अपने मोबाइल को बंद कर दिया। उस वक्त दीपुना के चेहरे में एक अजीब सा मुस्कुराहट था क्योंकि चलती ट्रेन में उसे एक लड़की का नंबर मिल गया था। कुछ समय के बाद दीपुना की व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, उसमें लिखा गया था कि क्या आप मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं। वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि दीपुना ने जिसे प्रिया नाम के नंबर से सेव किया था वो ही प्रिया नाम की लड़की थी। वो मैसेज पढ़ते ही दीपुना का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दीपुना ने सोचा कि चलो, मेरा इस 2 दिन का सफर अच्छा टाइम पास में गुजरने वाला है। फिर उसने रिप्लाई देते हुए लिखा कि क्या आप सच में कोई लड़की है या फिर मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है। कुछ समय के बाद दीपुना को एक फिर से मैसेज आया जिसमें एक लड़की का फोटो था और नीचे लिखा गया था कि हेलो, मेरा नाम प्रिया है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरे साथ डायरेक्ट फोन कॉल में बातें कर सकते हैं। दीपुना ने उस लड़की का फोटो देखा और देखते ही मानो जैसे पागल सा ही हो गया था वो। इतनी खूबसूरत लड़की उसके साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही है, दीपुना को भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर दीपुना ने रिप्लाई दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चैटिंग करना चाहता हूँ, जो मजा चैटिंग करने में है वो मजा फोन कॉल में नहीं है। फिर दीपुना ने काफी रात तक
उस मोबाइल में चैटिंग करता रहा, जैसे उसकी रातों की नींद उड़ गया हो। पता नहीं उसे क्या हो गया था। काफी समय चैटिंग करने के बाद दीपुना के पास एक मैसेज आया जिसमें ये लिखा गया था कि तुमने तो मुझे देख लिया, अब मेरा भी मन हो रहा है कि तुम्हें देखने के लिए, मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें देखूँ, प्लीज तुम्हारा एक फोटो मुझे भेजो ना। दीपुना उस लड़की की चैटिंग में पूरी तरह से अंधा हो गया था। उसने अपने मोबाइल की गैलरी ओपन किया और उसका सबसे अच्छा पिक उस लड़की को भेज दिया। थोड़ी समय के बाद ये रिप्लाई आया कि वाव, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, जी करता है कि तुम्हें गले से लगाकर एक जोर से पप्पी दूं। दीपुना भी इस मामले में कुछ कम नहीं था। उस मैसेज का रिप्लाई देते हुए उसने लिखा कि मन तो मेरा भी कर रहा है तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने के लिए, मगर क्या करे, तुम मुझसे बहुत दूर हो, अगर तुम मेरे पास होते तो शायद कुछ हो पाता। फिर उस लड़की का एक मैसेज आया जिसमें लिखा गया था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास उस ट्रेन में आ सकती हूँ, क्योंकि जिस ट्रेन में तुम सफर कर रहे हो उसी ट्रेन में मैं भी सफर कर रही हूँ, मेरा बॉगी नंबर है S4 और अभी मैं तुम्हें ही देख रही हूँ। ये मैसेज पढ़ते ही दीपुना हैरान हो गया, क्योंकि उस वक्त दीपुना का भी बॉगी नंबर S4 ही था। दीपुना तुरंत ही अपने सीट से उठकर बैठ गया और अपने दाएं बाएं देखने लगा, क्या सच में वो लड़की उस ट्रेन में है या फिर उसके साथ वो मजाक कर रही है। अगर वो मजाक कर रही है तो उस लड़की को कैसे पता चला कि दीपुना जिस बॉगी में है उस बॉगी का नंबर S4 है। उस वक्त दीपुना के दिमाग पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहा था। तभी दीपुना के मोबाइल पर फिर से एक मैसेज आया जिसमें ये लिखा गया था कि क्या हुआ, तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो थोड़ा पीछे घूमकर तो देखो। तभी दीपुना ने तुरंत ही पीछे घूमकर देखा तो उसने देखा कि टॉयलेट के पास एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी है। रात काफी हो जाने के वजह से उस ट्रेन की बॉगी की सारे लोग सो गए थे और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, मगर टॉयलेट के पास की लाइट जल रही थी जिसके वजह से वो लड़की साफ साफ दीपुना को दिखाई दे रही थी। उस लड़की को देखते ही दीपुना के मन में लड्डू फूटा और वो इशारा करके उस लड़की को अपने पास बुलाने लगा, मगर वो लड़की इशारा करके ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी, अगर आना है तो तुम मेरे पास आ जाओ। दीपुना धीरे से अपने सीट से नीचे उतरा और बिना आवाज किए टॉयलेट की ओर बढ़ गया। वो जैसे ही उस टॉयलेट के पास गया तो वो लड़की टॉयलेट के अंदर घुस गई। ये सब देखकर दीपुना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दीपुना ने घूमकर चारों तरफ इधर उधर देखने लगा, कोई उठकर उसे देख तो नहीं रहा है। दीपुना ने देखा कि उस बॉगी का सारा लोग सो गए थे और फिर उसने बिना आवाज किए ही उस टॉयलेट के अंदर घुस गया जिस टॉयलेट के अंदर वो लड़की गई थी। दीपुना ने देखा कि वो लड़की टॉयलेट के अंदर खिड़की की ओर अपना सर करके खड़ी है। दीपुना ने टॉयलेट की दरवाजा बंद कर लिया और उस लड़की को पीछे से जोर से कसकर पकड़ लिया, मगर हैरान करने वाले बातें ये था कि दीपुना ने जब उस टॉयलेट में लगा हुआ शीशे पर देखा तो वहां पर सिर्फ वो ही खड़ा था, उस शीशे में कोई भी लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर ये कैसे हो सकता है। जब थोड़ी देर के बाद वो लड़की घूमी तो दीपुना का होश उड़ गया। उस लड़की को देखते ही दीपुना का हाथ पैर कांपने लगा, इतना खौफनाक चेहरा वो अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। उस लड़की की आंखें मानो जैसे कोई चमकता बिजली हो और उस लड़की की इतने बड़े बड़े नाखून थे कि मानो वो कोई नाखून नहीं बल्कि कोई खंजर हो। दीपुना ने जब उस लड़की की बड़े बड़े दांत देखे तो उसे ऐसा लगा कि अभी का अभी उस दांत उसे नोच कर खा जाएगी। इतना खौफनाक और भयानक चेहरा देखने के बाद दीपुना उस टॉयलेट के अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाजें उसके मुंह से नहीं निकल रहा है। डर के मारे दीपुना की पैंट भी गीले हो चुका था। तभी अचानक ही टॉयलेट के दरवाजे बाहर से कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। दीपुना तुरंत ही पीछे मुड़ा और टॉयलेट के दरवाजे खोलकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि टॉयलेट के बाहर TTI खड़ा था। उस वक्त काफी लोग बिना टिकट काटे ही ट्रेन में सफर करते थे और TTI को काफी अच्छी तरह से पता था कि ऐसे लोग रात के वक्त TTI को देखते ही टॉयलेट के अंदर घुस जाते हैं। TTI ने मुस्कुराते हुए कहने लगा कि बेटा, टॉयलेट के अंदर क्या कर रहे थे तुम, चाहे किधर भी छुप जाओ मुझसे नहीं बच पाओगे, चलो निकालो जल्दी से अपना टिकट निकालो। उस वक्त दीपुना के नजर में वो TTI कोई भगवान से कम नहीं था। दीपुना ने तुरंत ही उस TTI को जोर से कस के पकड़ लिया और कहने लगा कि थैंक यू सर। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम,
पागल फागल हो गए हो क्या? ऐसा मस्का मत लगाओ, जल्दी से जल्दी अपना टिकट निकालो। टीटीआई बहुत ही गुस्से से दीपुना को देखते हुए ये सब कहने लगा। दीपुना तुरंत ही अपने जेब से टिकट निकालकर टीटीआई को देते हुए कहने लगा कि नहीं सर, मेरे पास टिकट है, ये देखिए। तभी टीटीआई ने पूछा कि अगर तुम्हारे पास टिकट है तो तुम मुझे देखकर इतना क्यों डर गए और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तभी दीपुना ने बताया कि सर, इस टॉयलेट के अंदर कुछ तो है, बहुत ही डरावनी। तभी वो टीटीआई धीरे से उस टॉयलेट का दरवाजा खोला और उसने देखा कि उस टॉयलेट के अंदर कोई भी नहीं था। टीटीआई ने बोला कि बहुत मजाक हो गया, जाओ जाकर अपने सीट में बैठ जाओ। ये कहने के बाद टीटीआई वहां से चला गया, मगर अब भी दीपुना का नजर उस टॉयलेट में ही था। अचानक ही वो लड़की टॉयलेट से कहां जा सकती है, ये सोच सोच कर दीपुना अपने सीट में आकर बैठ गया। वो अपनी जिंदगी में इतना डरा हुआ कभी भी नहीं था। वो तुरंत ही अपने सीट में बैठ कर उस लड़की का नंबर तुरंत ही डिलीट कर दिया और आंखें बंद करके अपने सीट में सो गया। कुछ समय के बाद दीपुना के कानों पर एक आवाज सुनाई दिया। वो आवाजें बहुत ही खौफनाक था। दीपुना धीरे से उठकर खिड़की के बाहर देखा कि वही लड़की खिड़की के बाहर खड़ी होकर दीपुना को घूरे जा रही थी। उस वक्त ट्रेन की रफ्तार काफी ज्यादा था, मगर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की ट्रेन के बाहर हवा में उड़ रही है। ये सब नजारा देखने के बाद दीपुना जोर जोर से चिल्लाने लगा। दीपुना की आवाज से सारे लोग का नींद टूट गया और सारे लोग ट्रेन की लाइट ऑन करके दीपुना के पास आकर पूछने लगे कि क्या हुआ। दीपुना ने बताया कि बाहर कोई चुड़ैल या फिर कोई भूत है जो उसका पीछा कर रहा है। सारे लोग ट्रेन की खिड़की के बाहर देखे, मगर बाहर कुछ भी नहीं था। सब लोग गुस्से से कहने लगे कि ये लड़का पागल हो गया है, इस पागल के वजह से हमारा नींद टूट गया। मगर उस रात की सच्चाई क्या था, ये सिर्फ दीपुना को ही पता था। कुछ समय के बाद ट्रेन विजयवाड़ा जंक्शन में जाकर रुक गया था और ना चाहते हुए भी दीपुना मजबूरन उस ट्रेन से उतर गया, क्योंकि उसे पता था कि उस ट्रेन में सफर करना उसके लिए सही नहीं है। फिर उसके पास उस नंबर से एक मैसेज आया जिसमें ये लिखा गया था कि मुझसे बचकर कहां जा सकते हो। ये सब पढ़ने के बाद दीपुना की दिल की धड़कनें तेज होने लगा और वो गुस्से में आकर उसी मोबाइल को ट्रेन की उस पटरी पर फेंक डाला। दीपुना अपना ट्रेन बदला और गांव चला गया। दोस्तों, दीपुना के साथ जो भी हुआ बस एक मोबाइल नंबर के वजह से ही हुआ था। कई सारे लोग ट्रेन में सफर करते समय किसी का भी मोबाइल नंबर ट्रेन के टॉयलेट में लिख देते हैं और कुछ बेवकूफ़ लोग वो नंबर किसका है, किसने लिखा है, ये जाने बगैर ही उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर देते हैं। अगर आप भी ट्रेन में सफ़र करते दौरान इस तरह का हरकतें कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। क्या पता दीपुना के साथ जो भी घटना घटी वो आपके साथ भी घट सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।